रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी कांड में नर्स, डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों के बाद अब अफसर मंत्री के ड्राइवर का गिरोह सामने आ गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गडरिया के ड्राइवर पुनीत अग्रवाल ने मंत्री तुलसीराम सिलावट के ड्राइवर गोविंद राजपूत का नाम कबूल लिया है। पुनीत का दावा है कि निजी ट्रेवल से जुड़ा गोविंद मंत्री की पत्नी की कार चलाता है और 14,000 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से इंजेक्शन बेचता है। पुनीत को सोमवार रात विजयनगर थाना पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार किया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी कांड में मंत्री तुलसी सिलावट का नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आ रहा है। एक ड्राइवर ने खुलासा किया है कि मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी के लिए उपलब्ध करवाता है। विजयनगर थाना टीआई तहजीब काजी के मुताबिक ओल्ड अग्रवाल नगर निवासी पुनीत अग्रवाल के बारे में खबर मिली थी कि पुनीत फिलहाल पीसी सेठी नगर में रहता है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध खरीद फरोख्त कर रहा है। सोमवार रात पुलिसकर्मियों ने खरीदार बन पुनीत को 2 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने गोविंद राजपूत से इंजेक्शन खरीदना स्वीकार किया। पुनीत ने बताया कि गोविंद मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी की कार चलाता है। किसके लिए लाया था इंजेक्शन? लेने के लिए लाया था। लेने के लिए लाया था। तो किस कहां से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 में। फिर किसको देने जा रहे थे तुम? पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे। उन्हीं को देने जा रहे थे। क्या उन्होंने मंगा था तुमसे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये गोविंद राजपूत? सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो की तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। तुलसी सिलावट जी कौन से मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है। अच्छा, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया? सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर, वो मंत्री जी के वहाँ से लाया। मंत्री जी के वहाँ से उसने कई लोगों को इंजेक्शन दिलवाया। पुलिस के मुताबिक पुनीत और गोविंद इम्पैक्ट्स ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर हैं। पुनीत अग्रवाल के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है, उसके संपर्कों की जांच की जाएगी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में प्रभारी मंत्री की पत्नी के ड्राइवर का नाम आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मंत्री का परिवार इंजेक्शन बेच रहा है। उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। वहीं मंत्री सिलावट का कहना है कि गोविंद ट्रेवल एजेंसी का ड्राइवर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसने ये इंजेक्शन कहां से लिया, ये जांच का विषय है। पुलिस निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि यह इंदौर के लिए बड़े शर्म की बात है। 10-12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि प्रभारी मंत्री जी परिवार के द्वारा इंजेक्शन बेच रहे हैं। परसों रात को विजयनगर चौराहे से पुनीत अग्रवाल पकड़ाया है। उसने बताया कि तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर के साथ वे गाड़ी चलाते हैं, वे लगातार उसी से इंजेक्शन लेकर बेच रहा है। ये इंदौर के लिए बड़े शर्म की बात है। आज से 10-12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। वो बात अभी साबित हो चुकी है। कल परसों विजयनगर चौराहे पे अग्रवाल जी पकड़ाया, उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई तुलसी सिलावट जी की पत्नी जी के ड्राइवर के साथ में गाड़ी चलाता हूँ और उससे इंजेक्शन लाता हूँ और लगातार मैं उससे ले लेके बेचता हूँ। इससे प्रूफ होता है कि तुलसी सिलावट जी के मंत्री जी के परिवार से ये इंजेक्शन लिखे गए और मैं इसके पहले भी और आज भी आरोप लगा रहा हूँ, सिद्ध हो गया। अब मैं आदरणीय हमारे छोटे भाई चिंटू भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि अब ये अग्रवाल जी भी कितने करोड़ का मानहानि के दावा पेश करेंगे, क्योंकि जनता के द्वारा जो इंजेक्शन आम जनता को मिलना चाहिए, जो सरकार द्वारा फ्री आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों ने पैसे मिले के हजारों लाखों करोड़ों में कमाए, तो अब मैं चिंटू भाई से निवेदन करूंगा कि अग्रवाल जी पे कितने करोड़ का मानहानि का दावा पेश करा, मेरे पे पेश करा, मैं उसका तो जवाब दूंगा ही दूंगा। परंतु ये घटना होने के बाद अब मुझे लगता है कि जो सदर बाजार के टीआई हैं आदरणीय, उसी को उनको भी 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे परसों के दिन क्राइसिस कमेटी के मेंबर आने रिहाज शेख इस कमेटी आरोप टीआई ने बनाया था सदर बाजार ने, उनको कल की तारीख में सस्पेंड कर दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।